नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एस सी एफ ऑफिसर अकेडमी मैं आपके साथ प्रदीप राजौरिया मैं आपको कई दिनों से आपको जी की क्लास लेके आया हूँ चला रहा हूँ तो आप यहाँ पर भी हमसे जुड़िए वो मैं आज जो टॉपिक है वो है हमारा इंडियन इंडियाज डिफेंस सिस्टम कि भारत सरकार में कौन कौन से डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं तो चलिए पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्कूल के जो पेपर हैं सैनिक स्कूल के जो कई वर्ष से पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं चलिए पहला क्वेश्चन देखिए द मोटो ऑफ इंडिया आर्मी जो आर्मी का जो मोटो है वो क्या है क्या है मोटो तो आपको यहां पे आर्मी का जो सोल्जर है उनका पिक दिख रही होगी आपको बेटा और यहां पर इसका जो मोटो है वो हम बताने की कोशिश करेंगे तो इसका जो राइट right आंसर होगा वो होगा सर्विस बिफोर सेल इसका मोटो क्या है इंडियन आर्मी का सर्विस बिफोर सेल्फ ये भी पिछले साल पूछा जा चुका है अगला क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं नंबर ऑफ द ऑपरेशन कमांडर्स ऑफ द नेवी करेंटली एम्प्लॉयड तो नंबर ऑफ ऑपरेशनल कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी एम्प्लॉयड ऐसी कौन सी इंडियन नेवी की कमांड है जहां पर नंबर uh, ऑफ जो ऑपरेशन हैं वो ज्यादा हैं कितने हैं और जो अभी करेंटली कमांड एम्प्लॉयड है वहां पर कार्य कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको बताना है तो इसका जो राइट right आंसर होगा थ्री तीन कमांड है हमारे क्योंकि तीन ही तरीके से हमारा जो भारत देश है वो तीन तरी तीन ओर से समुद्र से गिरा हुआ है तो वो तीन कमांड है उनको ऑपरेशनल कमांड भी कहा जाता है चलिए अगला जब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वलेंट रैंक इन एयरफोर्स ऑफ द आर्मी रैंक ऑफ मेजर देखिए यहां पे ध्यान रखना है इक्वलेंट दिखा आपको लिखा हुआ दिख रहा है और इक्वलेंट एयरफोर्स ऑफ द आर्मी रैंक ऑफ मेजर यानी कि जो आर्मी का जो मेजर होता है वो एयरफोर्स में किस रैंक पर कार्य करता है तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा स्क्वेडर लीडर किसकी तरह कार्य करता है स्क्वेलेंट लीडर की तरह कार्य करता है चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं फोर की तरफ मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है उसका मोटो क्या है यह आपको बताने की जरूरत है तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ का वो है नाबा देखिए इसका जो राइट आंसर है मोटो क्या है एयरफोर्स का वो मैं आपको बताता हूं नाबा स्पर्सम दिप दिप्तम ये इनका मोटो है जब भी इनकी जो परेड वगैरह होती है तो इस मोटो को ये अपने सॉन्ग में शामिल करते हैं और इस तरीके से इस मोटो की तरह ये कार्य करते हैं तो हर किसी का लक्ष्य होता है मोटो होता है तो इसका भी एयरफोर्स का ये मोटो है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोरी थे बेटा इसमें और ये मैंने आपको बता दिए हैं ठीक है अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो शेयर है वीडियो वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और भी हम वीडियो लेके आते रहेंगे और आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करा रहे हैं हम और इसके बाद बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम सीरीज़ भी लेके आएंगे और बेटा आप सैनिक मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो जरूर जुड़िए इस चैनल से और आप आगे देखोगे कि कितना अच्छा परिणाम आपको मिलता है चलिए धन्यवाद